वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट आइनिशिंग एक्सपीरियंसेस थैंक यू सो माइकल आपने हमारा जुलाब बैच ज्वाइन किया था ओके एंड उससे पहले आपका जर्नी जानने से पहले ओके okay, yes, uh, मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपको आइडल्स के बारे में मालूम पड़ा सर yes, एंड क्यों आपने डिसाइड किया कि मुझे डोल्व कोर्स ज्वाइन करना है सर सर मैंने uh, ये आइडल्स के बारे में मैंने सोशल uh, मीडिया के थ्रू पता चला कि एक दिन मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था

आप आइडल्स पेज में जाओ और वहाँ का वहाँ से आप नंबर निकाल के नंबर से नंबर में कॉल करो ये बोला और मैंने जाके पेज में जाके आइडल्स को देखा और मैंने यहाँ कॉल किया और आदि सर ने उठाया आदि सर ने बताया कि यहाँ शब्द गोला स्टार्ट हो रहा है और आप यहाँ पर ड्यूअल कोर्स भी है आपको डोयल कोर्स में फाउंडेशन से स्टार्ट से सिखाया जाएगा ये बोला और मैं आ, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे डोल कोर्स करना चाहिए क्योंकि शब्दकला थोड़ा एडवांस ही होगा शायद ये सोचा और मैंने डोयल कोर्स करने की आ, सोची और उस वक्त मेरा इतना पैसा नहीं था तो मैं थोड़ा स्किप करके थोड़ा बाद में जाऊंगा ये सोचा और मैंने फिर बाद में आया और बाद में पैसा थोड़ा जमा किया और उसके बाद मैंने काफ़ी मैंने रिसर्च किया काफ़ी पॉडकास्ट भी देखा काफ़ी चीज़ आ, देखा मैंने आइडल्स के पेज में तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ मुझे करना चाहिए ये चीज़ क्योंकि मैं थोड़ा उधर उधर कोई भी डांस नहीं करता था कि मैं अकेले डांस करता था तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फाउंडेशन से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मेरा फाउंडेशन इसका स्ट्रॉन्ग नहीं था मुझे यहाँ आके पता चला कि मेरा फाउंडेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मैं करता था डांस तो मुझे कुछ टेक्निक पता नहीं था कि कैसे करना चाहिए उस चीज़ को इसलिए मैं यहाँ पर आई में ज्वाइन किया माइकल okay, uh... uh, अच्छा लगा सुन के मतलब आप यहाँ पे जब भी आए हस्वेंड है जब भी आपको शब्द कला नहीं सब चीज़ों के बारे में आने पड़ा जब आपने ट्वेल्थ कोर्स के बारे में और पूछ सर्च कि कभी आपको लगा कि हाँ इसमें सब चीज़ें सिखाया जा रहा है तो यू नो आपको ये भी ज्वाइन करना चाहिए इसमें सो क्या आपने हमारा लाइक कुछ स्टूडेंट फीडबैक वीडियोज़ भी देखे थे उससे पहले यस सर मैंने बहुत बहुत रिसर्च करके मैं आया था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सिखाया जा रहा है अब मुझे जित यी त चाहे मुझे त क्यो कि मेरो उधर मेरो एसा लग र म चिज सिक्ना चाहियो क्योकि आजकल के कुछ क्लास नै केगे त नै सकता क्योकि उधर हाम्रो एसे है कि उधर जग्गामा कोही डान्स क्लास नै उधर सिकानेवाला सिक्नेवाला भन्नु लग रुम सिक्ना चाहिँ क्यक हामी जग्गा पोडा डेभलप लिएर जग्गा म

मेरा आइडल्स में बहुत अच्छा जर्नी रहा है मैं जब पहले मैं आइडल्स में आया था तो मुझे बहुत डर लगता था कि यहाँ पर कैसे सिखाएगा यहाँ पर कैसे होगा मुझे ये चीज़ बहुत डर लगता था कि सबको ऐसे देख रहा मैं पास मैं छः तारीख को आया था और मैं जल्दी आया था क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटेड में थोड़ा जल्दी आ गया था और मैं ऐसा लोग को देख रहा था कि लोग तू बहुत अच्छा से डांस कर रहा है मैं ऐसे देख रहा था मैं क्लास पहली बार आया था तो ऐसे देख रहा था सब लोग कर रहा है मैं अकेला मैं शायद में ऐसे ऐसे सोच रहा था कि शायद मुझे इतना सब लोग सीख लेगा आगे आगे जाएगा और मैं नहीं सीख पाऊंगा ऐसा सोचता था और मुझे इधर इत, आके पता चला कि हाँ सब पे यहाँ पर फोकस किया जाता है ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर मैं आया और देखा कि सबको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कर रहा है ये नहीं कर पा रहा है उसको जाके उसको अच्छे से सिखा के फिर आगे बढ़ रहा था ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। रहा है मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा है सो uh, so uh, so आपको लाइक like, मतलब वो सारी चीज़ें yes. you know, uh, जैसा आपने कहा कि आपका जर्नी ग्रेट रहा है ओके yes. okay. so, सो हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं yes. अभी आपने हमारा पी आई टी बी कोर्स अटेंड जो अभी लाइक डे बिफोर यश्रे कर सो आपका पी आई टी पी को लेके क्या थॉट था मतलब है ना पी आई कर स्टार्ट होने से पहले कि क्या क्या सीखने मिलेगा इसमें ऐसा कुछ थॉट था आपके दिमाग में इस सर मुझे पी आई टी सर ने बताया था पी में सिखाएगा तो मुझे इतना पता नहीं था कि ये चीज़ में क्या क्या है तो पहले क्लास में पहले क्लास में आया पी आई टी स्टार्ट हो रहा है तो गया तो कम्युनिकेशन स्किल्स नॉन वर्बल वर्बल ऐसा चीज़ सिखाया कि मुझे आ, ये चीज तो मुझे सीखना चाहिए क्योंकि मुझे पता नहीं था ये चीज डांस में ये चीज भी होता है क्योंकि जो जब इंटर्नशिप भी स्टार्ट हुआ था ए पी, -पी में तो सेशन हुआ था सेशन मेरे लिए काफी नया था कि मैं किसी को सिखाया इतना अच्छे से सिखाया नहीं था अभी मुझे इतना पता चल गया है कि मैं सबको सिखा भी सकता अच्छे तरह से क्योंकि मुझे ये चीज पता चला कि यहाँ पर ऐसे ऐसा हो रहा है क्या क्या अभी जैसे बताया कि मॉक सब चीज़ें हो रहा है ओके okay, तो ऐसा क्या क्या स्किल्स आपको सीखने मिले इस कोर्स के दौरान जो आपको नया लगा है कि हाँ ये जरूरत है मतलब ये मुझे तो सीखना ही सर जैसे कि सेशन ये मेरे लिए नया था कि किसी को सिखाना ये चीज़ नया था और जो एडिटिंग सेशन था एडिटिंग सेशन मेरा नया था और जो एक, एक था जो नेटवर्क नेटवर्किंग मार्केटिंग ये सब मुझे पता नहीं था ये चीज़ आई डांस में भी ये चीज होता है मुझे पता नहीं था कि नेटवर्किंग क्या है डांस में नेटवर्किंग कैसा होता है डांस में भी नेटवर्किंग होता है मुझे ये सब यहाँ इधर ही पता चला सो दैट्स ग्रेट माइकल तो आपको ये सब चीजें नया लग रहा है लाइक आपने सीखा हम अपने लाइक इक्वली पार्टिसिपेट भी yeah, तो एक किया वो चीज मैंने ऑब्जर्व किया लाइक हर एक जो भी टास्क रहता था तो उसमें आप इक्वली पार्टिसिपेट करते एंड आपके साइड से यू नो एफर्ट्स दिखते सो so, अभी ये सब चीज़ इतना करने के करने के के बाद बाद लाइक आप कितना ग्रोथ देख पा रहे हो में? सर मुझे बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है अपने आप को हाँ मेरे पास भी ये चीज़ है ये चीज़ मुझे चीज़ आ, अपने आप पर ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि कंटेंट क्रिएशन होता था कंटेंट क्रिएशन में नया नया चीज़ आ, करना करना पड़ता था टास्क नया नया टास्क मिलता था डे डे बाई डे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आ, ये चीज़ आ, मुझे बहुत इम्प्रुभमेन्ट लग मिला कि टास्क टास्क मिलता था था तो तो उसको करता था, तो मुझे इस चीज से मुझे बहुत ग्रोथ अपने आप पर बहुत, बहुत ग्रोथ देखने को मिला जैसे कि मोक सेशन में जैसे कि टीचिंग स्किल्स हो गया गा स्किल में ऐसा ग्रोथ मिला कि मुझे भी भी मेरे अंदर भी किसी को सिखाने का सिखाने का एक

ये सर यहाँ पर डांस तो बहुत अच्छे से सिखाता है क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन से सिखाता है पहले तो यहाँ पर ग्रुप पहले तो ग्रुप से स्टार्ट किए थे मेरा फर्स्ट स्टार्ट पॉपिंग से हुआ था और मुझे फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे मुझे आ, सब लोग शायद सब लोग सीख के आगे जाएगा शायद मैं अकेले होऊंगा कि शायद सीख नहीं पाऊंगा ऐसा डर लगता था तो सर ने मिक्स सिक्सटी टू Uh, सर था और वो आया बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डायरेक्ट आके डायरेक्ट पप पप पप्पू को ऐसा पप नहीं सिखा था डायरेक्ट आके थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करता था और एक्सप्लेन करके आ, उसको ऐसे किया जाता है ऐसे करके ऐसे करता है और ऐसे बहुत अच्छे से फाउंडेशन से सिखा के ऐसा लगाया मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे और सेकेंड हुआ था हमारा हाउस हाउसमेन् में भी था कि ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा सर हाउस सर था, सौर सौर, सौर। था सी गाया ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा मैं थोडा था गराइ इतना में दिख जाता था कि आ, ये कर रहा है र इसको सुधारो ये मुझे बहुत ऑब्जर्व इतना रहा है कि गलती कर रहा है इसको ऐसे सुधारा जाएगा इसकी ऐसा स्टेप इस इसके ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ऑब्जर्व ऐसे अच्छे से करता था कि अच्छा लगा माइकल थैंक यू सो मच हमारे यू नो ट्रेनिंग टीचिंग के बारे में बताने के लिए एंड uh, जैसा भी आपने सारे इतनी चीजें यू uh, नो no, तो ये डांस में ग्रोथ कितना आप देख पा रहे हो आपको ग्रोथ कितना? जैसा, मुझे यहाँ आने से पहले मेरे तो मुझे लग मुझे ये कह सकता हूँ कि यहाँ आने से पहले से मैं डांस स्टार्ट ही नहीं कर रहा था क्योंकि उधर मैं जो भी कर रहा था वो कुछ आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो जब मैं पिछले दिन का मैं वीडियो देख रहा था मुझे अपने आप को शर्म लगता था कि हमी ऐसा करता था शायद यहाँ आके ऐसा पता चला कि यहाँ आके तो इतना ग्रोथ मिला कि थोड़ा आप आपका वीडियो देख रहा हूँ और पिछले का वीडियो देख रहा हूँ तो कितना डिफरेंट देखने को मिला है और मुझे बहुत आ, ग्रोथ मिल देखने को मिला है यहाँ पर सिक्सटी फाइव परसेंट तो मिल गए अब आगे थोड़ा आगे भी सेक्शन है में थोड़ा आगे भी है। और जाके थोड़ा मुझे और मेहनत करना, करना और मेहनत करके और प्रैक्टिस करके मैं 100 बन so, करता कि जैसे, अभी आपने 65%, so आगे, इस आगे, जैसे और एक मेहनत बाकी है अभी, इस इस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और मिलेगा सो कमिंग बैक टू लास्ट पार्ट ऑफ आर एक्सपीरियंस किया एंड आप जैसे आप इतने दूर से आए वेस्ट बंगाल से आए सो आपके हिसाब से यू नो ये कोर्स कितना जरूरी आज के डांस आर्टर्स के लिए रीजन मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज जैसे आप इतने दूर से आए वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग शहर से हमें कॉन्टेक्ट करते इस इस हैं लेकिन उन्हें एक तरह का डाउट रहता है कि हमें ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना ओके सो आप जिस इतने सारे चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है आप क्या उनको कहना चाहोगे एंड आपके हिसाब से क्यों लगता है कि कोर्स आज के डांस आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है और उनको फ़ायदा हो सकता है सर मुझे पहले तो गाइस लोगों इतना ही बोलूँ ऐसे एस, ऐसे बोलूँगे कि पहले तो आपका जो पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आप आ, क्या बोलते हैं डाउट डाउट आ, आप लोग डाउट मत कीजिए कि की यहाँ पर इस ऐसा सिखाएगा ऐसा जो ऑब्जर्व नहीं करेगा ऐसा ऐसा मत आप लोग ऐसे मत सोचिए कि आप लोग आइए यहाँ पर सीखिए बहुत कुछ सीखने में आपको फाउंडेशन से सिखाया जाएगा आपको स्टार्ट start से से स्टार्टिंग सिखाया जाएगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को रिक्स लेना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं भी बहुत रिक्स लेके आया हूँ और रिक्स लेना बहुत जरूरी है ऐसा लगता है मुझे तो आप लोग रिक्स लेके आए आपका जो ग्रोथ भी मिलेगा मुझे ऐसा लगता है

सो थैंकिन माइकल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आई होप आप ऐसे कंटिन्यू रखोगे थैंक यू सो मच इतना बहुत अच्छा करके आइडल्स एंड आई जस्ट वांट टू विश ऑल दस्ट थैंक यू सर